पूर्व विधायक राजकुमार शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। परिवादी मनस्वी गौतम ने बजाज नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जमीन प्रकरण से जुड़ा मामला, आपको बता दें कि इस मामले में 615/24 धारा के तहत मामला दर्ज हुआ है। साथ ही 420, 406, 467, 471 और 120 बी आईपीसी में ये मामला दर्ज किया गया है। कूटचरित दस्तावेज बनाकर स्वर्गीय मामा आचार्य द्विजेश की 4 संपत्तियों को जबरन हड़पने का मामला दर्ज किया गया है। एसआई फूलचंद शर्मा मामले की जांच कर रहे हैं। परिवादी मनस्वी गौतम ने बजाज नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जमीनी प्रकरण से जुड़ा यह मामला है, जिसके तहत पूर्व विधायक राजकुमार शर्मा पर मामला दर्ज करवाया गया है। तो कूटचरित दस्तावेज बनाकर स्वर्गीय मामा आचार्य द्विजेश की संपत्ति को हड़पने से जुड़ा यह मामला है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता राकेश धाधीच। राकेश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? देखिए, परिवादी मनस्वी गौतम डीसीपी तेजस्वी गौतम के ऑफिस गई थी और जो पूरा प्रकरण है उनके सामने रखा था। उसके बाद बजाज नगर थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है। बहरहाल इस मामले में अनुसंधान अधिकारी फूलचंद शर्मा नियुक्त किया गया है। पूरे मामले की अब वो जांच करेंगे, रिसर्च की क्या जो मनस्वी गौतम की कंप्लेंट है उस पर किस तरह के आरोप लगे हैं उसकी जांच पड़ताल अब की जाएगी। बहरहाल पूरे प्रकरण की नजर अब जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ भी रखे हुए हैं। जी ठीक है राकेश जी, इस पूरे मामले पर पूर्व विधायक के कोई रिएक्शन सामने आया अभी तक? अभी तक मामले को लेकर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, उनसे संपर्क भी साधा जा रहा है, जल्द उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आएगी। लेकिन पूरे प्रकरण को लेकर अब जो पुलिस आज के आला अधिकारी है वो नजर बनाए हुए हैं और अनुसंधान अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। उसकी तफ्तीश के बाद क्या रुख लेता है मुकदमे का, ये अब आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो एसआई फूलचंद शर्मा को ये पूरी जांच सौंपी गई है। पूर्व विधायक राजकुमार शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो परिवादी मनस्वी गौतम ने बजाज नगर थाने में ये मामला दर्ज करवाया है। जमीन प्रकरण से जुड़ा ये मामला है। प्रकरण संख्या 4 दस्तावेज बनाकर स्वर्गीय मामा आचार्य द्विजेश की संपत्ति पर अधिग्रहण करने का ये मामला। एसआई फूलचंद शर्मा अब इस मामले की जांच करेंगे। नवलगढ़ से पूर्व विधायक है राजकुमार शर्मा, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो पूर्व विधायक है राजकुमार शर्मा और आपको बता दें कि परिवादी ने बजाज नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पूर्व विधायक राजकुमार शर्मा के खिलाफ कूटचरित दस्तावेज बनाकर स्वर्गीय मामा द्विजेश की संपत्ति को हड़पने का ये मामला दर्ज करवाया गया है। एसआई फूलचंद शर्मा अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगे।